हेलो, आवाज आ रही है? आ रही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटनेस विद एमके। व्हाट्स अप, इट्स एमके बैक विद अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बिगनर सीरीज की एडवांस वीक में आपकी बड़ी खुशामदीद। वेलकम बैक। अगर कोई मेरे चैनल पे नया आया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें और ताकि बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको मेरी नई लेटेस्ट कल की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अगर आपने मेरा अभी तक ये काम कर चुके हैं तो वेल एंड गुड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लें। सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज है पैक डेक फ्लाइज, वार्म अप के तौर पे आपने लगानी है चेस्ट की। इसका मैंने सारा पैटर्न बताया हुआ है, पुरानी वीडियोस में पढ़ा है, जाके डिस्क्रिप्शन में खोल के चेक कर सकते हो। इसके आपने लगा लोगे चार सेट्स, पहला सेट 14, दूसरा सेट 13, दूसरा सेट उसके बाद 12, उसके बाद 11। चार सेट लगाओगे भी केयरफुल, जितने मैंने टिप्स बताए उतने लगाने के आपको ज्यादा जरूरत ना पड़े। आपके इन्हीं रिप्स में अगर आप पैटर्न सही लगा रहे होगे, इन्हीं रिप्स में आपका चेस्ट खुद अफेक्टिव होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपकी आ जाएगी पहली एक्सरसाइज आपने लगा लेनी है बेंच प्रेसेस। आपके मैंने सारा पैटर्न बताया हुआ है, आपने करना क्या है, सिर्फ इसी जो मैं एक्सरसाइजें चेंज हो रही है वो मैं बता रहा हूँ और जो इसके रिप्स और सेट्स हैं वो मैं बताऊंगा। इसके आपने लगाने हैं तीन सेट लगाओगे, पहला सेट 14, दूसरा सेट 12, तीसरा सेट 10। पहला सेट 14, दूसरा सेट 12, तीसरा सेट 10। बी केयरफुल, इसका जो मैंने सेट बताए उतने ही लगाने चाहिए। इस पूरी एक्सरसाइज में सेट्स आगे पीछे हैं तो आपको खुद पता चलेगा कि मैंने आगे पीछे क्यों किए हैं। वन डे एगो के बाद जब आपका पेन होना शुरू होगा तो इसके बाद आप लगा लोगे अपनी दूसरी एक्सरसाइज आपने लगानी इंक्लाइन प्रेसेस का सारा पैटर्न बताया हुआ है, वही सेम एक्सरसाइज। इसका पैटर्न पुरानी वीडियोस में पड़ा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी, वहां जाके खोल के चेक कर सकते हो। दूसरी एक्सरसाइज आपने लगानी इस तरह के तरीके से है कि पैटर्न तो सब रख कुछ वही है, बस रिप्स में चेंजेस मैं बताता हूं। इसके आपने लगाने चार सेट लगाओगे। चार सेट में बताऊं कैसे लगाने। चार सेट आप लगाओगे, पहला सेट 12 का, दूसरा सेट 8 का, उसके बाद आप लगाओगे 13 का, उसके बाद लास्ट का जो लगाओगे वो आप लगाओगे 11 का। समझ आ गई है? बी केयरफुल। इसकी एक्सरसाइज आपने कर लेनी, उसके बाद आपकी आ जाएगी नेक्स्ट एक्सरसाइज। आपके डंबल प्रेसेस सेम पैटर्न सब कुछ बताया हुआ एक्सरसाइज में, सिर्फ रिप्स चेंज है। एडवांस वीक चल रहा है, लास्ट वीक है। एक मंथ में आपका खत्म होने वाला है सब कुछ, ये अगले मंथ से आप खुद ही एक्सरसाइज करना चाहोगे। अगर आप चाहते हो एडवांस सीरीज में आपको दूं तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके लिए एडवांस सीरीज भी लेके आऊंगा। उसके बाद साइकिल से शुरू करेंगे, साइकिल वे प्रोटीन वाली साइकिल नहीं, ना कोई स्टेरॉइड वाली साइकिल, जस्ट अ साइकिल नेचुरल आपकी बॉडी बनेगी, जिससे बस थोड़ा आपको खर्चा करना पड़ेगा। डंबल प्रेसेस का सेम पैटर्न मैंने बताया हुआ है। इसके बाद आप पहला सेट आप लगाओगे, इसके आपने तीन सेट लगाने। पहला सेट आप लगाओगे 10 का, उसके बाद आप लगाओगे 11 का, उसके बाद आप लगाओगे 6 का। बी केयरफुल, जो मैंने कहा है वो ही करना है। इसके बाद आप आ जाओगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने लगानी है कुछ इस तरीके से है, ये डंबल पुल ओवर आपने लगाने हैं सेम पैटर्न, बट मैंने बताया नहीं है, एक दफा सुन लो फिर से। आपने टेबल एक ले लेना है, सीधे बैठ जाना है, आपके अपने हाथों का और चेस्ट की मूवमेंट होनी चाहिए। इसमें आपके ट्राइसेप्स भी खींचेंगे, इसमें आपकी चेस्ट भी खींचेगी। और अगर लगाना चाहो तो इसका आप ज़्यादा नीचे जाओगे तो उससे भी थोड़ा बैक में फर्क पड़ेगा, बट उसका पेज शुरू से शुरू हो जाएगा तो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो सीधा सिंपल सा तरीका यह है कि आपने ये लगाना है। आपने टेबल ले लेना है, टेबल पे आपने बैठ जाना है, उसके बाद है सीधे दोनों हाथों से आपकी हथेलियां ऊपर होनी चाहिए, डंबल पकड़े होने चाहिए। उसके बाद आप सिंपल पीछे जाओगे, ऊपर आओगे, सिंपल पीछे जाओगे, ऊपर आओगे, सिंपल पीछे जाओगे, ऊपर। कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर फिर भी कुछ आपको डिफिकल्टीज हो रही हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आपके इसके आपने लगाने चार सेट कैसे रिप्स में, एक ख्याल से सुनो, हर एक्सरसाइज में रिप्स चेंज है क्योंकि एडवांस लेवल आ चुका है आपका। इसका सबसे पहला सेट आपने लगाना है 12 का, उसके बाद आप लगाओगे 13 का, उसके बाद आप लगाओगे 8 का, उसके बाद आप लगाओगे 4 का। जो एंड में 4 वाला एक्सरसाइज है ना, आपको मैंने सब कुछ पहले भी बताया हुआ है कि आपका वेट ना एंड में ज्यादा रहना चाहिए, एंड में आपका वेट ज्यादा रहना चाहिए, मसल इफेक्ट होते हुए खुद देखोगे।
वेट ज्यादा रहना चाहिए, ये बात मैं पूरे मंथ बताते आ रहा था, बट आप लोगों ने ध्यान रखी कि नहीं रखी, आप लोग की जहनियत आप लोग की तरफ है। तो इसकी एक्सरसाइज आपने कर लेनी है, उसके बाद आप क्या जी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने लगानी। इसका मैंने पैटर्न बताया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है, केबल क्रॉस ओवर, इसके सिर्फ आप दो सेट लगाओगे, दो सेट में रिप्स बताता हूँ कैसे लगाओगे। पहला सेट में आप रिप्स लगाओगे 14 का, उसके बाद आप दूसरे सेट में रिप्स लगाओगे 11 का। 14 11 का डिफरेंस देख लेना है, बार बार बता रहा हूँ। ये एक्सरसाइज आपने कर लेनी दो सेट, इसके बाद आपकी आ जाएगी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है बॉल पुशअप्स। बॉल पुशअप्स आपने लगाने हैं, एक आप बॉल ले जाओगे, ले जाने के बाद आपने एक हाथ में पहले उधर फेंकनी है, फिर एक हाथ में इधर फेंकनी है, फिर एक हाथ में उधर फेंकनी है, एक हाथ में जिस हाथ में आपकी बॉल होगी ना वो आपकी साइड ज्यादा नीचे जानी चाहिए, क्योंकि आपकी कोहनी ऊपर की तरफ टर्न है। या फिर ऐसा करना, अगर आप बॉल नहीं ले सकते, कुछ नहीं ले सकते, डंबल के थ्रू आप कर सकते हो, डंबल्स के थ्रू आप कर सकते हो, सिंपल सा वे, सिर्फ डंबल के थ्रू आप कर सकते हो। पैटर्न सीधा वो है पुशअप्स वाला, सिर्फ बॉल इधर उधर घुमानी है, तो आपने करना है इसी तरह है, दोनों तरफ डबल रख लेने। डबल रखने के बाद एक हाथ, जब इस हाथ की बारी आएगी इस हाथ का डबल नीचे, हाथ नीचे रख लो, उस हाथ की बारी आएगी उस हाथ का हाथ नीचे रख लो, जब इस पे लगाने लगोगे इसका हाथ डबल पे रख लेना, जब उस पे लगाने लगोगे उसका हाथ डबल पे रख लेना। समझ तो गए होगे, फिर भी कोई मसला है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। आज की आपकी एक्सरसाइज अप हो जाएगी यहाँ। इसके मैं सेट्स बता दूँ आपको, इसके आपने सेट लगाने चार सेट लगाओगे सारे चौदह चौदह के लगाने। नहीं लगने, मुझे पता है आपने मसल बहुत कर चुके हैं, बट यार कोशिश करना, एडवांस बिगनर्स का एडवांस वो है लेवल है, आप अपना मुंह काला ना करा देना कहीं। तो बस ये आज की एक्सरसाइज इतनी ही थी, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला दुनिया की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह ताला सबको मेरे साथ में रखे, दुआ में याद रखिएगा।